أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए तो बराबर है, अअंज़रतहुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आखिरत का डर सुनाएं, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आखिरत का डर ना सुनाएं, उनके लिए बराबर है, ला युमिनून, वह ईमान नहीं लेकर आए। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो काफिर है उसको आपने तबलीग नहीं करनी है। तो ये किताब हदायत पूरी इंसानियत के लिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, इसमें इम्प्लाइड है इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है, जानबूझ की आंखें बंद की हुई हैं, जिसको डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात करते थे कि जो शख्स सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हैं, और जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है उसको कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो पहले ही जाग रहा है, जागना चाहता नहीं है। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर हक और बातिल वाज़े हो चुका हो, उसके बावजूद वो जानबूझ के कुफर की रविश इख्तियार करे, उसके लिए कुरान में कोई हदायत नहीं है। ये बड़ा खतरनाक मामला। तो इससे मुराद वो काफिर है कि जो हक जानने के बावजूद जानबूझ के अपनी कबीले की हिमायत के अंदर, अपने नस्ली तासुब के अंदर, या जेलसी फैक्टर की वजह से, जिस तरह यहूदी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनके लिए आप उनको तबलीग करें ना करें, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, सील कर दिया, यानी सील हो गई, आप कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वाला समईहिम, और उनके कानों पर भी, वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर भी, गिशावतुन, पर्दा पड़ चुका है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने। और याऊज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है। अच्छा, इसकी वजह से बाज़ लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोर लगा देता है, नाऊज़ु बिल्ला, अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फनेटिक वाली है, नाऊज़ु बिल्ला, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जानबूझ के हक से इनाद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के गज़ब का कोड़ा उन पर पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी, इसके बावजूद इन्होंने ये किया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब इनके अंदर हदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी। ये बहुत, यानी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस पे अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, इसको अल्लाह ने बैन किया है। ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून, अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया, अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता, रब है, मालिक है, उसने अपने लिए रूल तय किया है कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कोई बंदा पहुंचेगा, सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक से इनाद करेगा, उसको नजर आ जाएगी सच्चाई है, फिर भी वो इनाद कर देगा, फिर मैं मौत लगा दूंगा, आओ फिर वक्त का पैगंबर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। हदायत किसको देता है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। इस कायनात की सबसे इलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको यह राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी, इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी? और दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो, वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है, और जिससे हमेशा की कामयाबियां आपका मुकद्दर होने वाली है, आप समझते हैं कि वो आपको चुंगे जी लग जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी वाइफ ने जब पहली दफा कुरान पढ़ा ना शादी के बाद, मैंने उसको एक कुरान क्लास होती थी रमजान शरीफ में, तो मैंने कहा मैं बच्चे वगैरह मैं देखूंगा, तुम ना सिर्फ एक दफा कुरान पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले कुरान में लिखा क्या हुआ है। कुरान आप अकेले बैठ के तो जाहिर है उस तरह नहीं है, अब एक माहौल होता है, एक डेकोरम है, क्लास है, जिस तरह यहाँ लोग बैठे। तो रमजान में पूरा कुरान
उसने मुकम्मल किया ना, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या यानी इससे हासिल किया, उसने कहा अल्लाह बहुत सख्त है। और जिस खुदा का तारुफ हमें हमारे माँ बाप और ये मुआशरा करवाता है वो खुदा नहीं है जो कुरान में है। अल्लाह तो अपने मामलात में बहुत सख्त है। ये किताबें इंतजार तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब, क्योंकि अल्लाह है ना। ये कायनात उसने इसलिए बनाई है कि आप जानवरों की तरह खाएं पिए, औलाद पैदा करें और मर जाएं। इंसान को उसने अपने लिए पैदा किया, पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अच्छा ये जो बात है ना, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम, मोर लगा दी उनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर, पर्दा डाल दिया, अब अजाब ही उनको है। ये आपने अगर बात समझ ली है ना, तो आप 12 नंबर 7 के आखिरी सफे पे आ जाए, सूरतुल अनाम में आयत नंबर है 110, सातवें पारे की आखिरी आयत, आपके ये ब्लू वाले कुरान में 142 नंबर पेज की आखिरी आयत 110 नंबर। वनुकल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारुहुम, हम फेर देते हैं उनके दिलों को और उनकी आंखों को, अकल और उनकी आंखों को, कि वो हक बात कबूल ना करें। हक से अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको हक से अंधा कर देता हूं। कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जिस तरह के इन्होंने भी तो पहली दफा जब इनके ऊपर हक खुला था इन्होंने ईमान लाने से रूगर्दानी की थी ना, अब ये चाहेंगे भी ना तो मैं इनको इस्लाम की तरफ नहीं आने दूंगा। वनज़रुहुम फी तुग्यानिहिम यामहून, और मैं इनको छोड़ दूंगा अपनी सरकशी में भटकते फिरें। वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अब अगर फरिश्ते भी इनके सामने नाजिल हों, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनके साथ बात करना शुरू कर दें। वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला, और हर चीज जिनका इनसे वादा किया था इनकी आंखों के सामने आ जाए, क़यामत भी, अजाब भी, सब कुछ भी। मा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ईमान नहीं लेके। ये है सर किताबों का खुदा, ये नानी अम्मा, दादी अम्मा और मामा नहीं है, ये अल्लाह है। कितनी सख्ती है कि फरिश्ते भी, आप मुझे बताए किसी से मुर्दा निकल के कब्र से कहे कि मेरी तो फैंटी लग गई है, आपको तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आनी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है फिर भी ये मान नहीं लेके आएंगे, कर लो जो कर। ये अल्लाह कह रहा है। आमीन। इल्ला यशा अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे दे वो अलग बात है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जहालत का शिकार है, वो अपनी विशफुल थिंकिंग के अंदर, अमानी यूहम जिन्हें कहा गया, वो उनमें फिर रहे, फिरते रहे।